बेसिकली मैं जॉब करता हूँ और ऐसा जॉब करता हूँ जहाँ मुझे वीकली ऑफ भी नहीं मिलता है, फिर भी मैं मार्केट में काम करने का प्रयास करता हूँ। और सबसे बड़ा गुरु जो है मार्केट, वहाँ से मैंने बहुत थोड़ा बहुत सीखा है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हमें उसको कनेक्ट करके अपन एक पिक्चर बनाएंगे। ट्रेडिंग में हम जो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं ट्रेंड, उसके बाद देखते हैं स्विंग, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस। अभी इसमें सभी को मालूम है कि ट्रेंड क्या है, जैसा हायर हाई हायर हाई हायर लो, ये सभी को मालूम है ये अप ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में लोअर हाई लोअर लो, ये सबको मालूम है, ठीक है। अभी स्विंग क्या है, तो ये है स्विंग, मतलब लो से हाई तक, हाई से लो तक, ये हो गया स्विंग। अब ये ट्रेंड स्विंग, ये सब जो भी टर्म्स है वो रिलेटिव है। अगर अपर हाई टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड रहेगा तो जरूरी नहीं कि लोअर टाइम फ्रेम में भी अप ट्रेंड रहेगा, उसमें डाउन ट्रेंड हो सकता है। तो स्विंग ट्रेडिंग करने का मतलब क्या है कि यहाँ से हमको बेचना है, यहाँ बाय करना है, यहाँ एग्जिट करना है, या यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है। अभी इसको पकड़ेंगे कैसे, तो लोअर टाइम फ्रेम में जाके उसको देखना पड़ेगा और उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है। अभी ये ट्रेंड तो मालूम हो गया, सब अपने को मालूम है। स्विंग के लिए, अच्छा ट्रेंड के लिए देखना है तो लाइन चार्ट देखिए, जितना हो सके लाइन चार्ट में आपको क्लियर मालूम पड़ेगा ट्रेंड। स्विंग के लिए कैंडल स्टिक चार्ट देखेंगे। अभी स्विंग कैसा देखेंगे, जैसे एक कैंडल है, अभी ये कैंडल में अपन खाली हाई और लो कंसिडर करेंगे, क्लोज ओपन नहीं क्लोज करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे। तो अभी समझो एक एक कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल बनने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एक तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है हाई ब्रेक करेगा और लो इंटैक्ट रखेगा, सेकंड प्रोबेबिलिटी है हाई इंटैक्ट रखेगा लो ब्रेक करेगा, थर्ड प्रोबेबिलिटी होता है हाई और लो दोनों ब्रेक करेगा, और चौथा प्रोबेबिलिटी है दोनों इंटैक्ट रखेगा, इनसाइड कैंडल बनेगा। इसके अलावा पांचवा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है नेक्स्ट कैंडल का, इसमें से ही कोई बनेगा। तो जब ये कैंडल बनता है तो हम समझेंगे कि अप स्विंग चालू हो गया, ये कैंडल बनता है तो डाउन स्विंग चालू हो गया, ये हम ऐसा उसका ये निकालेंगे। अभी ये दोनों अपन फिलहाल नहीं देखेंगे, ये दोनों देखना है। अभी मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, ये जो अप स्विंग है वो कैसा बनेगा, जैसे एक कैंडल हमने देखा यहां से स्टार्ट किया, दूसरा कैंडल हाई तोड़ रहा है, तीसरा कैंडल भी हाई तोड़ेगा, चौथा कैंडल भी हाई तोड़ेगा, चार से ज्यादा कैंडल नहीं जाएगा ऊपर। कौन सा भी टाइम फ्रेम ले लो, डेली ले लो, 30 मिनट्स का ले लो, 5 मिनट का ले लो, अभी कोई रूल हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, उसमें 3 या 5 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम आपको 4 ही मिलेगा। तो हम कैसा करेंगे, ये जो इसके पहले समझो में डाउन स्विंग चल रहा है, तो ये जो सबसे लोएस्ट लो बनाए उसको 1 पकड़ेंगे काउंट करने में, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, ये हो गया अप स्विंग। बाद में अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये 4 के बाद हाई नहीं तोड़ेगा, फिर इसके बाद वो जो बनाएगा एक छोटा कैंडल बनाएगा, या तो फिर इसी का लो तोड़ेगा, फिर इसको फिर काउंट करेंगे फर्स्ट, इसको काउंट करेंगे सेकंड, ये ऐसा लो तोड़ते तोड़ते ये 4 ही कैंडल बनेगा, फिर इसके बाद फिर अप स्विंग चालू हो जाएगा। तो हम अगर डेली कैंडल देखते हैं तो ये 4 कैंडल जैसा हमने देखा है, तो जैसा पहला कैंडल ये बन गया, अभी इसमें देखता है ट्रेंड, अगर आपका अप ट्रेंड चालू है डेली टाइम फ्रेम पे, तो आप देखो चौथा कैंडल देखो अप ट्रेंड का, जो चौथा दिन का कैंडल देखो, फिर वहां से आपको नीचे आना है, तो अगर आपने बाय किया है तो चौथे कैंडल में आपको बुक करना है, या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपको शॉर्ट करना है, 4 दिन के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं, आपको टारगेट ज्यादा नहीं मिलेगा उसमें, अगर अप ट्रेंड चालू है लॉन्ग टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में,
और छोटे टाइम फ्रेम में आप शॉर्ट करते हो तो आपको टारगेट मिलेगा लेकिन वो छोटा मिलेगा। तो अभी इसको ये रिवर्सल कैसे पकड़ना है ये अपन देखते हैं। अच्छा ये सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क करेंगे इसके लिए अपन कैंडल का ओएलएस से कैंडल लेंगे। तो समझो ये एक अपस्विंग है, सपोर्ट क्या है जैसा ये अपस्विंग चल रहा है इसका जो हाईएस्ट क्लोज है वो बनेगा रेजिस्टेंस। जैसे यहां से डाउन ट्रेंड चालू हो गया डाउन ट्रेंड है सॉरी डाउन स्विंग, क्योंकि ये स्विंग जो है वो ट्रेंड टाइप पास है। अब ट्रेंड में समझो ये डाउन स्विंग चालू हो गया तो अभी इसका जो लोएस्ट क्लोज ये रहेगा सपोर्ट। अभी इसमें रिवर्सल के लिए आपको एक कैंडल ऐसा मिलेगा जिसे हमने देखा है तीन कैंडल आया रेड, उसके बाद चौथा कैंडल का हम इंतजार कर रहे हैं और एक कैंडल उसमें ऐसा मिलेगा। ये डेली कैंडल है और 30 मिनट का उसमें हम फिर टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। इसमें एक कैंडल ऐसा मिलेगा कि जिसका लो है वो लोएस्ट लो रहेगा पूरा स्विंग का, लेकिन क्लोज है वो पहला तीन कैंडल का क्लोज के ऊपर रहेगा, लो रहेगा लोएस्ट लो और क्लोज रहेगा मोर देन थ्री क्लोज। अभी इसमें एक कैंडल मिलेगा या तो सेट ऑफ टू कैंडल्स थ्री कैंडल्स मिलेगा तो वो भी आप पकड़ सकते हैं। फिर यहां अपन ये कंफर्म कर सकते हैं कि यहां स्विंग रिवर्स हो गया, फिर यहां से आगे जाएगा कितना चार दिन। तो 30 मिनट्स का अगर चार्ट अपन डेली और 30 मिनट्स इसमें मैं ट्रेडिंग करता हूं मैक्सिमम, तो 30 मिनट्स का जो स्विंग आता है उसमें फिर चार दिन के बाद वो चेंज हो जाता है फिर आगे जाता है। अगर टाइम है क्या अभी अगर टाइम रहेगा तो फिर मैं चार्ट पे दिखाऊंगा। ये कैंडल का लो जो है वो पूरा ये जो स्विंग है उसका लोएस्ट लो है और उसका जो क्लोज है इसने ये तीन चार तीन कैंडल का मिनिमम ये क्लोज खाया है उसके ऊपर क्लोज है। तो यहाँ हमको कंफर्मेशन है कि ये बाय है करके अभी तो इसका स्विंग चेंज हो गया। तो या तो आप इसके टॉप पे बाय कर सकते हो नेक्स्ट डे या फिर ये इसका जब अगर रिट्रेसमेंट आता है तो वो रिट्रेसमेंट में बाय कर सकते हो, उसका स्टॉप लॉस ये रहेगा इसका लो यहाँ पे। तो ये आपको अच्छा मूव देता है। और एक दूसरा कंफर्मेशन ऐसा है कि ये जो मैंने इंडिकेटर बनाया बाय सेल का इसका एक कंफर्मेशन के लिए नीचे सीसीआई इंडिकेटर है कमोडिटी चैनल इंडेक्स, उसका अगर ये क्रॉसओवर करते कुछ क्रॉस करता है तो इसमें तीन लाइन है एक तो प्लस 100 जीरो और माइनस 100, उसमें कोई भी क्रॉस करता है तो कंफर्मेशन है। अभी ये सेल जो आया है इसके लिए इसको कंफर्मेशन नहीं है तो यहाँ सेल ये वैलिड नहीं है ये जो सेल आया है। इसी तरह जो स्विंग ऊपर गया अभी दूसरा एक मतलब देख सकते हैं कि टॉप पे अगर ग्रीन कैंडल आता है तो वो भी रिवर्सल का साइन है। मतलब कोई भी बड़ा कैंडल आता है रेड भी आता है या ग्रीन भी आता है टॉप पे, तो अभी देखो ये टॉप पे आया है ग्रीन कैंडल है भले ग्रीन हो या रेड हो लेकिन बहुत बड़ा कैंडल है ये तो यहाँ से वो घूमने का चांस है। तो देखो इसका हाई जो इसका क्लोज है उसका क्लोज को टच करके उसने फिर घूमा है तीन चार दिन के बाद। अब
अभी देखो लेटेस्ट ये कल मैंने एक ट्रेड लिया है, अभी ये जो डेली में ये काउंट करेंगे आप, जैसे यहाँ पे इसने बाय दिया है मतलब ये यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है, मतलब एक्युमुलेट हो रहा है इसमें, तो ये यहाँ पे देखो ये फर्स्ट कैंडल हो गया, ये फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चौथा कैंडल है, कभी बनाते हैं थर्सडे को, तो इस दिन मुझे बाय करना है, तो अभी मैं क्या करूंगा 30 मिनट्स पे जाऊंगा, 30 मिनट्स पे जब भी उसका रिवर्सल मिलता है 30 मिनट्स का कैंडल, किसी कैंडल का हाई तोड़ता है वो, तो वहां पे बाय करूंगा। अभी देखो ये फोर्थ डे है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, अभी यहाँ पे मुझे बाय करना है इस दिन। मॉर्निंग से मार्केट इतना गिर रहा है कि बाय करने का मेरे मन में रहेगा तो भी मेरा हिम्मत नहीं होगा बाय करने का, लेकिन ये कैंडल आ गया तो एक इसने पीछे पिछले वाले कैंडल का हाई तोड़ा है, तो यहाँ पे मैं बाय कर सकता हूँ, और इसका स्टॉप लॉस रहेगा ये लो, सेम कैंडल का लो, यहाँ मेरा बाय तो हो गया लेकिन वापिस रिट्रेसमेंट है। अभी एक्चुअली इसमें देखा जाएगा तो एंट्री पॉइंट है ये कैंडल का जो क्लोज है ना, वो ये सपोर्ट है कि यहाँ, क्योंकि यहाँ से मार्केट घुमा है तो यहाँ से तोड़ के भी, हाई तोड़ के भी वो नीचे आया है, रिट्रेस हो गया, इसका जो क्लोज है वहां टच किया, फिर वहां से बड़ा उसने मूवमेंट दे दिया। ये देखो यहाँ से कितना पॉइंट ऊपर गया, अभी ये क्लोज नहीं किया मैंने ट्रेड, ये मेरे हिसाब से मंगलवार को क्लोज हो जाएगा, ये फर्स्ट दिन थर्सडे को मैंने बहुत बॉटम पे बाय किया है, कल भी अभी बड़ा कैंडल बनने के बाद थोड़ा रिट्रेस हो गया, वो डेली में थोड़ा ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये जाएगा और ऊपर, और मेरा टारगेट रहेगा ये डेली कैंडल पे, ये जो इसका क्लोज है, जो सपोर्ट है, जो इसने तोड़ा है, ब्रेक किया है, वो वहां तक जाएगा मिनिमम, ठीक है, टाइम तो खत्म हो गया, ज्यादा हो गया टाइम, चलिए थैंक यू।